बच्चों की अलग ही रामलीला चल रही होती है, बच्चे लोग ना क्या बताएं। ये टेबल होता है, अच्छा मैम पढ़ा रही होती है और उसी के नीचे उनका बेड है। चीज़ों को जब जीरो से स्टार्ट करते हैं ना तो एक एक चीज़ खरीदने के लिए ना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आपको जो कहती है आज फाइनली हमारा वो दिन है जहाँ पे अपने को अपना बेस्ट देना। आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में स्वागत है, स्वागत है। सो आप सभी को लग रहा होगा कि मैम का सेटअप कैसा है, जरा हम भी तो देखें, क्योंकि मैम जो पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाती है तो उनके आसपास का माहौल क्या है मैं बताती हूँ क्या सीन है। देख सामने जो होता है वो सबसे मेरा लैपटॉप होता है, ठीक है। उसके बाजू में कंप्यूटर है जहाँ पे OBS सिस्टम चलता है, जिसकी वजह से मैं लाइव आती हूँ और आपके कमेंट्स दिखते हैं, ठीक है। पैर के पास मैं रिंग लाइट लेके बैठी होती हूँ जैसा दिख रहा है आप लोगों को, और मेरा ये राइटिंग पैड होता है, ठीक है। राइटिंग पैड की जरूरत पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि ऑक्ट होने वाले हो कि मैं जो है कहाँ बैठती हूँ, जो है कोई कुर्सी पे नहीं बैठती, ऐसी कुछ कंडीशन होती है। मैंने सामने अपने वैसे डोर है, फिर उसके ऊपर मैं तो पहले ये स्टैंड में हुआ करता था, तो स्टैंड ना जमीन में बहुत जगह लेता है, इसलिए मैंने उसको ऊपर प्लेस कर दी, ठीक है। तो उससे काम आसान हो गया और वो एक ही जगह रहता है, उतने ग्रीन स्क्रीन की जरूरत तो नहीं पड़ती है, बट हाँ लगा के रखी हूँ उसके है आपको। तो मैंने कुछ ऐसा अपना बनाई हूँ, क्योंकि रूम बहुत ही छोटा सा है, इसमें मैं कुछ दूसरी चीज़ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। उधर पे कबर्ड है, फिर ये सब मुझे बंद रखना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। इधर पे लैपटॉप है, इधर पे कंप्यूटर होता है आपका लाइव कमेंट देखने के लिए, उधर पे मैं बैठी होती हूँ, और सेशन हो जाता है तो वहीं पे मैं सो जाती हूँ, और फिर रात में मस्त खा पी के वहीं पे सो जाती हूँ। तो बड़ा ही कॉम्पैक्ट मैंने अपना टेबल बनाई, मुझे पता नहीं क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, बट मैंने इसको ऐसा इसलिए बनाई हूँ क्योंकि पहले मेरा काम करने की जगह अलग थी, सोने की जगह अलग थी। होता क्या था, जब सोने वाली जगह जाती थी तो काम करने के लिए ना फिर से ना उठ के जाने के लिए मन नहीं लगता था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं अपने लैपटॉप के बाजू में अभी बैठी होती तो वो काम कर देती। तो उस वक्त मेरे माइंड में ऐसा आया, क्या मैं कुछ ऐसा ना करूँ कि एक कोना बना दूँ, मैं आपको हमेशा बोलते हैं एक एरिया बना दो, वो एरिया में जाके आपको बस फील आना चाहिए काम करने का। तो मैंने क्या करी, ये कोना पकड़ ली जैसे मैंने आपको दिखाई, और उस कोने में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे को काम के दौरान लगती है वो सब उधर है। मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए कि मैं उधर से उठ के कहीं और जाऊं और मेरा माइंड डाइवर्ट हो, है ना, क्योंकि इस मोमेंट में काम प्रायोरिटी है, तो ज़्यादा टाइम भी उसी को मिलना चाहिए, और ज़्यादा टाइम उसको अगर देना है तो कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरे को पूरा दिन सेशन लेना होता है सुबह से लेके ऑलमोस्ट रात तक, मतलब 2-3 बजे से मेरा सेशन स्टार्ट होता है, रात के 11 बजे तक चलता है, बीच में बस 10-15 मिनट का ब्रेक मेरे को मिलता है, तो उस सिचुएशन में मैं क्या क्या करती हूँ मैं आपको ना शॉर्ट वीडियो में बताती हूँ। देख लिया होगा कि कैसे बैठ के मैं जो है अपना लाइव लेक्चर लेती हूँ। अभी लेक्चर के बीच में 15 मिनट का टाइम होता है, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा मैं पानी हो जाती हूँ पसीने की वजह से, क्योंकि फैन जो ऑफ रहता है बिल्कुल भी, और विंडो एंड डोर मैं पूरा खुलती हूँ आवाज़ की वजह से। मार्जिनल यूटिलिटी अपने को क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, कि जब भी कोई चीज की हमको डिजायर होती है, कोई कमोडिटी की इच्छा होती है, उसको हम कंज्यूम करते हैं बैक टू बैक, तो उस कमोडिटी को पाने की इच्छा कम होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है, समझ रहे हो? ओके, एक मिनट भाई, क्या हो गया, वीडियो रुक गई मैम, लैग। अरे यार, ये आइन टाइम पे क्यों जाते हैं हमेशा, क्या प्रॉब्लम है। अरे यार, सबसे बुरी चीज़ यार, एक जो टीचर लाइव लेते हैं ना उसके लिए ये वाला होता है कि इंटरनेट बीट सेशन में चले जाता है, मतलब पूरा का पूरा हमारा सेशन खराब हो जाता है, बच्चे लोग का जो एक लिंक बना होता है सेशन में वो भी टूट जाता है, और बहुत सारे बच्चे तो छोड़ के चले जाते हैं आधे सेशन में ही। सो यार चलो मैं ठीक करके आती हूँ फटाफट, वाईफाई को रिस्टार्ट करने जा रही हूँ, बंद करके चालू करते तो कभी कभी चालू हो जाता है, देखते वही करते। होप आ जाए, है ना,
बारिश आती है ना तो हमेशा इंटरनेट जाता है, नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है, जब वाईफाई चले जाता है, मैं ट्राई करती हूँ उसके बाद भी वाईफाई नहीं आता है, तो फिर मैं आप सभी को मैसेज डालती हूँ कि प्रॉब्लम हो गया है वाईफाई का, वाईफाई ने धोखा दे दिया। ये मतलब सेंटेंस आपने बहुत बार ग्रुप में पढ़े होंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत दिल दुखता है जब ना बीट सेशन में वाईफाई चले जाता है। वाईफाई का जैसी वाईफाई आ जाएगा मैं सेशन स्टार्ट कर दूंगी और फिर बताती हूँ उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ठीक है। सो यस, बने रहिए। फाइनली वाईफाई आ गया है। Extremely sorry for a technical issue. आज के दिन का हमारा तीसरा सेशन जहाँ पे हम खेलने वाले हैं भाई साहब मैं टेक क्विज और जानेंगे आज का हमारा बाजीगर कौन होने वाला है। तो तैयार हो जाओ, क्या बात है, पूजन अपने को आज की मेंटी क्विज विनर मिली है। कांग्रेचुलेशन। पूरे 700 बच्चों में से टॉप 10 बच्चे ये सारे आए हैं। तो फाइनली दोस्तों आप सबने कर दिखाया, आज हमारा जो भी टारगेट था वो सारे टारगेट हमने पूरे करे। तो आपका एग्जाम है, एकदम बेस्ट देकर आना है, अपने आप पे विश्वास रखना है। मैम की हमेशा आपके लिए दिल से दुआ रहेगी कि आप अपने लाइफ में लॉ पढ़ लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा आएगा, ठीक है। चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर। Done. So yes, finally आज जो था, तो yes, जैसे आपने देखे कि काफ़ी सारे सेशंस जो है मैं शेड्यूल करती हूँ बच्चों के लिए स्पेशली एग्ज़ाम से पहले, बिकॉज उनको बहुत नीड होती है कि हमारा कोई एक्सप्लेनेशन के साथ हमको प्रैक्टिस भी करवाए चीज़ों की। सो मैं उनके लिए ये सारी चीज़ें शेड्यूल करती हूँ। मेरे पास आधा घंटा है तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को इस मतलब कोई एक ऑनलाइन टीचर है तो उसको लैपटॉप कंप्यूटर के साथ और कौन सी चीज़ लगती है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चीज़ें जो मेरे लाइव सेशन को और इम्प्रूव करती है, उसमें से सबसे पहली चीज़ है टड़ा ये है रिंग लाइट। और रिंग लाइट जो है देखो वीडियो में बहुत क्लैरिटी लाता है, अपने फेस में मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको खरीदने के बाद। इसलिए जो है मेरे पास स्टैंड वाला रिंग लाइट था, लेकिन वो स्टैंड को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर मैंने ऐसा छोटू सा खरीद ली। क्योंकि अभी मैंने अपना सेटअप इतना कॉम्पैक्ट बना दी हूं कि मेरा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है वो यहीं पर बीते और मेरे जो एसेंशियल काम है जो मुझे काम करने के लगते हैं वो सब एक ही जगह हो, ठीक है। तो सबसे पहला तो भाई रिंग लाइट होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है टड़ा, जो कि आपको देख रहे होगी मैम के फेस पे इतना पसीना रहता है, मैम एसी लगा लो। तो यार चीज़ों को जब जीरो से स्टार्ट करते हैं ना तो एक एक चीज़ खरीदने के लिए ना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आपको जो टैबलेट दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, रिंग लाइट दिख रहा है, ये धीरे 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 करके ही मैं अचीव कर पा रही हूँ। तो बहुत जल्द इसी मंथ आई होप एसी भी, मेरा प्लान है कि फाइनली एसी भी मैं परचेस कर लूँ ताकि ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये दूर हो जाए। बट तब तक अब दिल्ली गई थी तो उधर पे मेरे को एक प्यारी सी चीज़ मुझे ऐसा लगी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और मैंने वो दो दो खरीद ली। मैं बताती हूँ क्या टटना इतना छोटू सा फैन, सोची थी यार फैन ऑफ रखना पड़ता है, ये मेरे को हेल्प करेगा। तो ये मैंने परचेस कर ली, सिर्फ दो दिन अच्छे से चलाई है, ठीक है। मेरे को 500 रुपये का दो मिला था, ये दो दिन एकदम मस्त चला, मेरे को बहुत मजा आया कि मैं लाइव सेशन में पढ़ा रही हूँ, इधर पे मैंने रख दिया और ये फंका चलता था, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं। सोचो मतलब मेरे फेस पे हवा आ रही है तो मैं एकदम खुश थी, लेकिन यार दो दिन के बाद खुश हो गया। तो मेरे को ऐसा लगा यार सस्ती चीज़ों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ब्रांड की चीज़ यार सच में उसका लेवल ही अलग होता है। चलो अच्छा है, मैंने दो खरीद ली थी, अभी दूसरा वाला यूज़ करूँगी, वो देखते कितने दिन चलता है। तो यस, ये चीज़ काम की है, बट अगर ये चीज़ ब्रांड में मिलेगी ना तो बहुत अच्छा। मैंने अमेज़ॉन में भी सर्च करी बट अमेज़ॉन में कहीं ब्रांडेड इतना छोटा सा नहीं मिला, ठीक है, इससे बड़ा मुझे चाहिए भी नहीं। चलो फिलहाल के लिए अब एसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा मेरे को जो है ये मोबाइल होल्डर बहुत हेल्पफुल लगता है, इसको मैं ऐसा इधर पे रख देती हूँ और कभी कभी बाई चांस कुछ प्रॉब्लम होता है ना मेरे OBS सिस्टम में तो मैं अपना मोबाइल को इस होल्डर में रख देती हूँ और आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। इसके अलावा भाई साहब टैबलेट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर मी, क्योंकि मैं जो है प्लानिंग पूरी की पूरी टैबलेट में करती हूँ। इधर पे आपको देखो दिख रहा होगा, न्यू इंडियन एरा में पढ़ा रही थी तो उधर पे मेरे को बहुत कम टाइम में आपको पूरा सिलेबस कवर करना था, तो मैंने एक एक दिन के एक एक टाइम में कौन कौन सी टॉपिक पढ़ाऊंगी उसका पूरा शेड्यूल मैंने बनाई थी। तो ये मेरे को बहुत हेल्प किया था, देखो एक एक दिन का पूरा प्लानिंग व्लानिंग होती है, मैं पहले इसमें बनाती हूँ और फिर एक दिन में मेरे को क्या करना है उसको मैं जो है स्टिकी नोट्स में लिख के अपने सामने लगा देती हूँ, ठीक है, ताकि मेरा काम में कोई भी कमी ना आए और मेरे माइंड में जो भी चल रहा था वो मैं किसी भी हालत में इंप्लीमेंट करूँ। ये मेरा हमेशा डेली का टारगेट रहता है। और इसके अलावा मेरे टेबल के पास दिख रहा होगा बुक्स का सेक्शन, जहाँ पे मेरे मास्टर्स की बुक कम और 12th की बुक ज़्यादा है। ये देख लो आप सबकी बुक है इंग्लिश की, 21 हो या तो फिर रिलायबल जो है मास्टर्स का आपको पीछे दिख रहा होगा, आप बोल के पीछे क्या लगा रखे मैम ने, तो ये
पीछे जो है ये मेरा, मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही हूँ तो उसकी मेरा आपका और मेरा एग्जाम क्लैश हो गया था याद है, तो उसकी प्लानिंग के लिए मैंने पीछे लगा रखी थी कि मेरे को कौन कौन सी चीज़ें पढ़ के जानी है। सो यस, ये मेरा शेड्यूल रहता है जब मैं आपको पूरा दिन लेक्चर पढ़ा। आई होप आपको मज़ा आया होगा बैक एंड देख कर कि शफक मैम जो है वो कैसे अपने लेक्चर्स को पढ़ाती है, और क्या लगा आप थोड़ा शॉक्ड हुए और मैम का ये सेटअप देख कर, मतलब आपने कभी इमेजिन भी किए थे कि मैम जो है आपको जब पढ़ाती है तो वो जो है नीचे ऐसा सिंगल बेड पे बैठ के पढ़ाती होगी। एजुकेशनल वीडियो को तो यार बहुत सारे बच्चे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं कि भाई एग्जाम हो गया निकल लो, बस तो ये वाला चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाओ, अपना कनेक्शन भी बना रहेगा और आपको भी चीज़ें काम आएगी, ठीक है। सो इसी के साथ मैं ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा डिसीजन कैसा लगा कि मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट करी जहाँ पे मैं अपने अदर एस्पेक्ट्स बताऊंगी, बैक ऑफ द सीन्स बताऊंगी, जहाँ पे मैं पढ़ाने के अलावा कौन सी दूसरी चीज़ें भी करती हूँ। ये तो बस शुरुआत है यार, ये तो बस पहला वीडियो है। मिलते हैं अभी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में। दिल्ली में गई थी, उधर पे मैंने बहुत सारे शूट्स ली हूँ तो उसका मैं व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी और इसी चैनल पर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। हैव अ नाइस डे, खाओ पियो मस्त रखो, एग्ज़ाम खत्म हो गया ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप जो है फ्री हो गए हो, कुछ ऐसी चीज़ करना है जिससे आपकी आप स्किलफुल इंसान बनो। आज के टाइम में सिर्फ एक स्किल लेके इंसान जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकता, अपने अंदर मल्टी स्किल होनी चाहिए, अपन मल्टी टैलेंटेड इंसान होना चाहिए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी इस चैनल पर मैं वीडियो डालूंगी, तो आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगी और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। एंड होता है, मैं अपना लाइव सेशन स्टॉप करती हूँ तो मैं ऐसा लेट जाती हूँ, आप जैसा देखे थे मैं आग बंद करती हूँ और फिर यहाँ पे बैठ के मैं जो है मेरी नजर होती है किधर पता है, मेरे कंप्यूटर पे, और मैं सब लाइव कमेंट पढ़ रही होती हूँ कि मेरे जाने के बाद बच्चे लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो भाई साहब मेरी तो इतनी हंसी आती है ना, बच्चों की अलग ही रामलीला चल रही होती है, बच्चे लोग ना क्या बताए। अभी एक और चीज़ यार बताने लायक,